सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। वे आज से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ बातचीत की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मासिक रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी के माध्यम से वे छत्तीसगढ़ की जनता के सवालों के जवाब भी देंगे और अपने विचार भी रखेंगे। हम आकाशवाणी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय जोहार। सबले पहली मैं जम्मू रेडियो सुनैया भाई बहनी मन के सब स्वागत करत हूँ। आम जनता खेत खार में काम बूता करत, किसान भाई बहनी मन घर में अपन काम बूता करत, रेडियो सुनैया हमर दीदी बहनी मन अलग अलग जगह में अपन सुविधा ले मोर गोट बात सुनैया जम्मू सियान और संगवारी मन ला, दीदी बहनी और नोनी बाबू मन ला जय जोहार। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले जनता ये जरूर जानना चाहेगी कि लोकवाणी का विचार आपके मन में कैसे आया? अब तो संचार के नवा नवा माध्यम आ गए है, लेकिन अभी भी रेडियो एक ऐसे माध्यम है जेकर पहुंच अभी भी आम जनता तक में है। ते पाए कि मोला लागिस कि रेडियो ला हमार बातचीत के माध्यम बनाना ठीक रही। मोला याद है 12 नवंबर 1947 के दिन जब महात्मा गांधी देश ला कुरुक्षेत्र हरियाणा में संबोधित करीस और रेडियो के माध्यम से जनता के बीच में अपन बात ला कहीस। तब बापू कह रही से कि मैं रेडियो ला ईश्वरी चमत्कार मानता हूँ, यदि यही बात ला कोनो सभा में जाके कहते हैं तो कम आदमी सुन पातीस, लेकिन रेडियो के माध्यम से बहुत अकन आदमी कर पहुंचे अपन बात ला पहुंचाया जा सका थे। अविका स्थिति रेडियो आज भी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। हमारे छत्तीसगढ़ के दूर दराज में बसे गाँव में आदिवासी अंचल में जिन बहुत ही बिरला आबादी है, दूर दूर तक के बसे है, मैं चाहता हूँ कि सब मन के भावना से अवगत हो सकूं, आप मन के बात ला सुनाऊं और आप मन के जवाब दूं। और एक सेती हमन हर महीना लोकवाणी के माध्यम से आप मन के सामने रूबरू होगो। माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ रेडियो से जुड़ी बहुत अच्छी बात याद की आपने, इससे रेडियो बिरादरी का गौरव भी बढ़ा है। अब आज के मुख्य विषय पर आते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में कृषि तथा ग्रामीण विकास विषय पर जनता की भावनाएं आमंत्रित की थी, हमें बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी, तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 4000 रुपए प्रति मानक बोरा, हरेली, तीजा, विश्व आदिवासी दिवस, भक्त माता कर्मा जयंती और छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, ऐसे अनेक ऐतिहासिक फैसलों के लिए बहुत से भाई बहनों ने बधाई संदेश भेजे हैं, जिसमें शामिल हैं लोहारा से गिरीश साहू, परपोड़ी से बुधवा, बेलसरी से दुर्गा प्रसाद पांडे, मरवाही से श्यामलाल, जीत पाटन से भुवनलाल सिन्हा, पिपरिया कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, पामगढ़ से चंद्रशेखर खरे और भी अनेक श्रोता। तो आइए पहले इन संदेशों को सुन लेते हैं। जी, मैं चंद्रशेखर खरे बोल रहा हूँ पामगढ़ जांजगीर से। भूपेश सरकार ने जो नरवा गरवा घुरवा बराड़ी जो योजना चलाई, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ सरकार को। दुर्गाराम साहू, ग्राम चटोंगरी, पोस्ट पिपरे, जिला कबीरधाम। लोकवाणी के लिए महोदय जी ने जो शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुधवा महारा परपोड़ी, ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम निकाले हैं जनसाधारण के लिए और ये धन्यवाद के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हरियाली त्योहार को मनाया गया है। दुर्गा प्रसाद पांडे बोल रहा हूँ मैं, ग्राम बेलसरी तखतपुर से। सर्वप्रथम तो एकदम अपनी ठेठ छत्तीसगढ़ी सरकार बनने के लिए बधाई है मेरी ओर से मुख्यमंत्री महोदय को। बधाई और शुभकामनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर इससे हम सबका उत्साह बढ़ा है। आपकी प्रतिक्रिया जानकर हमें यह संतोष मिला है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, धान के दाम को लेकर एक ओर लोगों में खुशी है तो दूसरी ओर ये संदेह है कि आगे उन्हें ये दाम मिलेगा कि नहीं। आइए लेते हैं एक सवाल जो सिर्फ लोहारा के गिरीश साहू का ही नहीं बल्कि पूरी किसान बिरादरी का है। मैं ग्राम बोहारा से गिरीश कुमार साहू बालोद जिला से बोला सभी। प्रश्न यह है कि मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में अभी जो 2500 रुपए में धान लिया है उसी तरह अभी लेगा कि नहीं लेगा? गिरीश भाई और सभी किसान साथियों, आपके खाते में 2500 रुपया क्विंटल की दर से धान का पैसा आ गया है, यह तो आप मानते हैं ना? अब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है,
इसलिए आपको न संदेह करने की जरूरत है और न ही किसी प्रकार की चिंता करने की। और हर साल आपका धान हम 2500 रुपया क्विंटल में ही खरीदेंगे। इस फैसले से अब कोई ताकत हमें पीछे नहीं हटा सकती। मुझे लगता है कि पिछले महीने केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य सिर्फ 65 रुपये बढ़ाने की घोषणा की थी, उसके कारण आपके मन में भ्रम हुआ होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, हमने साफ घोषणा की थी कि आप लोग अपना धान रोक कर नहीं रखें, केंद्र सरकार से चाहे जो दर मिले हम अपने वादे पर कायम रहेंगे। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा था और खरीदेंगे, ये मेरा आप सबसे वादा है। जी माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रोताओं के सवालों से स्पष्ट है कि प्रदेश में नरवा गरवा घुरवा बारी योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सर्वाधिक विचार तो इसी को लेकर सामने आए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इस विषय पर आपकी पूरी सोच क्या है। सुराजी गांव योजना कितने दिनों में शबाब पर आ जाएगी? इससे ग्रामीण और किसान जनता को किस किस तरह से लाभ मिलेंगे? अंततः ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इससे कैसे मजबूती मिलेगी? भाई लक्ष्मी यादव, कमलकांत गुप्ता, गोपाल प्रजापति, भुवनलाल सिन्हा, चंद्रकांत, भावेश यादव, गजानंद साहू, होरीलाल, सुखलाल भारती, मदन सेन, राम राजपूत, विशेषर सिंह और मालिक राम, इनके साथ साथ बहुत से साथी जानना चाहते हैं कि इस विषय पर आपकी पूरी सोच क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी की आवाजें सुनने में काफी समय लगेगा, इसलिए आइए लक्ष्मी जी गुलशन की आवाज में सुन लेते हैं इससे संबंधित सवाल, और आप कृपया सभी जवाब एक साथ दे दीजिएगा। मेरा नाम लक्ष्मी कुमार यादव है, मैं खरागढ़ जिला राजनाथ गांव से बोल रहा हूँ। सर अभी तो अब इतने सारे बाड़ी वाड़ी तो रह नहीं गए हैं, गुरुआ भी नहीं रह गया है, तो उसका क्या उसका और उसमें कोई उपयोग? हाँ, गुलशन कुमार मोटी, ग्राम बुदानकट्टा, पोस्ट डालकना, तहसील मोहला, जिले राजनांदगांव। मेरा प्रश्न है कि हम छत्तीसगढ़ गांव में बसते हैं, तो हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम कैसे बनाएंगे? न्यू सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, कैसे विकास कर सकते हैं गांव को? सवाल पूछने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी केला बचाना है संगवारी। मुझे खुशी है कि यह नारा न सिर्फ गांव-गांव, घर-घर में पहुंच गया है, बल्कि उससे भी आगे मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के जनजीवन में यह नारा उसी तरह से घुल मिल गया है जैसे शक्कर और पानी मिलकर शरबत बनता है। वास्तव में छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी सदियों से हमारे मन के भीतर है, हमारी नस नस में समाई हुई है, हमारी संस्कृति में रची बसी है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद और खासकर विगत 15 वर्षों में हम अपने पुरखों के रास्ते से भटक गए थे। जिसे दिल सही कहता था उसे हम कर नहीं पाते थे और हमारे किसान भाइयों को जमाने के हवा के नाम पर बहाया जा रहा था। आपकी सरकार आते ही यह फैसला कर लिया कि अपने चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी को फिर से अपनी खोई शक्ति, शान और मान वापस दिलाना है, तो उसमें आप जैसे जागरूक लोग जुड़ गए हैं और कारवां बनता चला गया। जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, तो यह बात बहुत साफ है कि जब हम छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खुशहाली की कल्पना करते हैं तो हमारे ध्यान में खेत, किसान और गांव में रहने वाली जनता आती है, उसके रहन सहन और 12 मासी रोजगार की तस्वीरें आती है कि असली छत्तीसगढ़ आज किस हालत में है और उसे किस हालत में होना चाहिए था। आपको 17 दिसंबर 2018 के पहले की परिस्थितियां याद होगी। उस समय जब हम गांव-गांव का दौरा करते थे तब हम देखते थे कि किस तरह किसान गांव में आर्थिक संकट से जूझ रहा था, कुशासन था, बदहाली थी, किसान कैसे भटक रहे थे, धान का सही दाम पाने के लिए कैसे संघर्ष कर रहे थे, लाखों किसान कर्जदार और डिफाल्टर होने के कारण नए सिरे से खेती किसानी नहीं कर पा रहे थे। आप सबको इस बात का अनुभव है कि जब खेती थम जाती है तो कैसे राज्य का विकास थम जाता है। अच्छी खेती, अच्छी पैदावार हो, किसानों को उसके उपज का अच्छा दाम मिलता है, तब पैसा गांव से लेकर शहर तक के बाजारों में आता है। इसलिए मैं कहता हूं, जब खेती चलती है तो कारखाने के पहिए भी चलते हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की ताकत यदि किसी एक चीज से बढ़ेगी तो वह खेती किसानी है। इसलिए हमने किसानों और उसके माध्यम से
गांव को समृद्ध बनाने की रणनीति अपनाई है और इसलिए आते ही हमने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी और आखिर में वन टाइम सेटलमेंट का निर्णय लिया ताकि जितनी जल्दी हो सके किसानों का अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस मिल सके। हमने खूब विचार विमर्श किया किसानों से, गांव वालों से, सबसे मिलकर और यह तय किया कि खेती किसानी और गांव के हालात बदलने के लिए एक दो उपाय से काम नहीं चलेगा। लंबे समय तक चलने वाले कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे ताकि खेती की जमीन में भी सुधार हो, गांव में पशुधन के रास्ते से आने वाले आय बढ़े, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगे, गांव की उपज का गांव में वैल्यू एडिशन हो, सिंचाई और निस्तार के लिए पानी की स्थायी व्यवस्था हो जो कभी धोखा न दे। इस सब के चलते नरवा गरवा घुरवा बारी को संस्थागत रूप से विकसित करने का निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, नरवा गरवा घुरवा बारी ये योजना आखिर है का? हमन गांव-गांव किसान मन से, मजदूर मन से, संगवारी मन से, दीदी बहनी मन से भेंट मुलाकात करत रहे और गांव के समस्या चाहे वो शहर के समस्या बहुत नजदीक से हमन देखें। तो एक बात दिमाग में इस सब साथी मन से चर्चा करें तो यही बात है कि छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी इला बचाना है संगवारी। नरवा हमारे छत्तीसगढ़ में 30,000 नरवा है, 285 ठक नदिया है, 85 नदी ऐसे है जिन्हें 12 महीना पानी बहुत है, ओकर बाद भी हमार सिंचित रकबा है तीन केवल 31% है। हमन वर्षक पानी ला सहेज नहीं पात हम। आज सबसे ज्यादा जिन समस्या है एक समय से जब हम तरिया के नरवा के और झेरिया के पानी पियत रहे, बाद में ये ट्यूबवेल आ गए, अब कोनो तरिया के पानी पी नहीं सका, कुआ का पानी आज कोनो उपयोग नहीं करा थे, बहुत कम हुआ थे, जबका पानी है तेना नलकूप से ट्यूबवेल से पानी पिया था। लगातार जिन भूमिगत जल है तेकर दोहन हमन करा था, उलेचे काम करा था, भरे के काम लग एक कनिक नहीं करे, और ओकर से आज समस्या सबसे ज्यादा होते पेयजल के, निस्तार के और आगे बढ़बो सिंचाई के। पानी नहीं गिरे, नरवम धार नहीं बहाये, हमार ट्यूबवेल में रिचार्ज नहीं हुए, ये सब किसान समझते हैं। जहां पानी गिरीस नरवा बहेस तो सब हमार ट्यूबवेल रिचार्ज हो जाये, ये बात ला गांव के जिन अनपढ़ किसान है तीनों ये बात ला समझते। आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गए, हम सेटेलाइट से भी फोटो खींच सका था, जमीन के ऊपर भी, जमीन के और जमीन के नीचे भी। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार कर एकर व्यवस्था है कि पूरा छत्तीसगढ़ के एक एक इंच जमीन के नीचे कते कर का चीज है तेकरो जानकारी है, कते कर हमार फ्रैक्चर से है, लिनियामेंट है, जहाँ कहाँ पानी के पुनर्भरण कर सकन ओकर जानकारी है। तो ओकर आधार पे हमन हा पूरा 1000 नरवा के हमन योजना बना चुके हैं और ओकर आधार पे अब आगे तेजी से हमला काम करना है ताकि वाटर रिचार्जिंग हो। तो हमला जे छोटे बड़े स्ट्रक्चर हमन खड़ा करबो, जमीन की डुबान नहीं आना चाहिए, ये भी अवसर भी देखो, काबर के हमारे यहाँ 44% जंगल है, तो हमला कोई पर्यावरण के या वन अधिनियम के कोई उल्लंघन भी नहीं करना है हमला, और वो स्ट्रक्चर खड़ा करबो, छोटे बड़े स्ट्रक्चर खड़ा करबो ताकि हमार सतह में भी जल रहा है, जमीन में भी नमी रहे और भूमिगत जल भी हमार पुनर्भरण हो सके। ओकर से फायदा ये रही कि पर्यावरण में सुधार हुई, तो ये वाटर रिचार्जिंग करबो तो ओकर से 12 महीना किसान ला पानी मिली, उद्योग ला पानी मिली, निस्तार और पेयजल और पानी मिली, ये हमार नरवा योजना। गरवा जिन योजना है तेन एक समय से जब ये पशुधन हमार किसान के, मजदूर के, गांव के, गरीब के, शहर के, रैया मन के आर्थिक आय के स्रोत रिसे, आज वो हमार कमजोरी बन गए है। गाय है गरु हो गए है, कोनो अपन घर में गरवा नहीं रखना चाहे। बड़े बड़े जिन किसान है तेकर गोर्रा मन में अब मूसवा मन कबड्डी खेला थे, कोनो गरवा रखना नहीं चाहते। स्थिति ये है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में धान बोत रहे, धान के बाद उतेरा लेते रहे, उतेरा भुरा गए किसान, अब एक ही फसल बचा पाना मुश्किल है, तो किसान फसल बचाए पर परेशान है। तुम्हें सड़क में गरवा मन बैठे थे तो ओकर से आए दिन एक्सीडेंट होते, कतको जन के जान चल रहे थे, कतको जन के हाथ पांव टूटा थे, मवेशी मरते थे ना अलग, गाड़ी टूटक टूटक तेन अलग, आर्थिक नुकसान होते, जान माल के नुकसान होते। तो ये कैसे ढंग से ये योजना लाभकारी हो? गौशाला बहुत जन चला थे लेकिन होत का है, गरवा पर चारा नहीं मिला थे लेकिन गौशाला चल रही है, मन मोटाव जात सरकार से अनुदान मांगा थे, लेकिन अब जिन योजना हमन बनाया है गांव गांव में हमारे गौठान के परंपरा रीत से
ये परंपरा ला हम पुनर्जीवित करा था ना पुनर्नियोजन करा था। सरकार है घेरा बनाए काम ला करी मनरेगा के तहत हमन घेरा बना था जेमे लगभग 2000 गांव ला हमन चिन्हित करे ना काम चला थे 900 से ऊपर जिन गौठान है ते लोकार्पण कर दे। एमे काम ये है कि 5 एकड़ जमीन ला घेर दे तो गाँव के 1000 एकड़ जमीन ला घेरे की जरूरत नहीं है। आज जिकर का ट्यूबवेल है सबसे पहले क्या करते घेरा करते खेत ला कृषि लागत बढ़ गई। यदि 5 एकड़ घेर देना गरवल वहां बिठार दें तो मतलब जब का भी दूसरा फसल लेना है या बरसाती फसल भी लेना है तो ओकर चिंता किसान नहीं करे लगे वो मुक्त हो जाए। हमार खेती बच गए एक फसल भी ले सकता दो फसल भी ले सकता तीन फसल भी ले सकता। लेकिन जब गरवल हम गौठान में बिठारबो तो पानी की व्यवस्था सरकार करा थे ओकर चारा बर 10 एकड़ चिन्हित कर दे तो 12 महीना गरवल हरियर चारा मिला है। एकर बर वो जिन व्यवस्था है तेन अपन आप में आर्थिक रूप से संपन्न हुए। हम जिन सोचा था तेन ये है कि गोबर से कैसे पैसा निकाला गोबर से कंपोस्ट खाद बना गोबर से वर्मी खाद बना जिन गोबर ला हमन ट्राली में खरीदा थे आज वो किलो में बेचावा थे 7 रुपया 8 रुपया किलो में वर्मी खाद बिका थे। वो जिन गौठान समिति है उन गौठान समिति बनाबो जिन सरपंच है सचिव है गाँव के जिन बुद्धिजीवी मन है और जिन स्व सहायता समूह है सब ला जोड़बो ताकि वहाँ न केवल वर्मी खाद और कंपोस्ट खाद बल्कि अब तो हमारे जिन बहनी मन है ते मन है तो उकर से उपटन भी बनाते उकर धूप बनाते उकर से पैसा कमाते गौमूत्र से फिनाइल भी बनाते दूसर प्रकार के दवाई बनाते। तो हमारे एकर से फायदा ये हुई कि कृषि लागत कम हुई जैविक खेती की तरफ से बढ़बो। आज जिन फसल के कारण से जिन बीमारी होते चाहे वो साग भाजी हो चाहे वो अनाज हो अतिक अकन हमन हा रासायनिक खाद और दवाई डाला था जेकर कारण से फसल है जहरीला हो जाते अनाज जहरीला हो जाते सब्जी भाजी और फल मन जहरीला हो जाते जेकर कारण से अनेक प्रकार की बीमारी होते। यदि एक से बचना है तो हमला ये दिशा में आगे बढ़ो और वो दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार मजबूत कदम उठाए है। ऊपर से कहा हुई कि वर्मी खाद और कम्पोस्ट खाद जब खेत में जाए तो हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ी दूसरा बीमारी कमती लगी बीमारी कमती हुई तो पेस्टिसाइड के उपयोग नहीं हुए तो किसान की कृषि लागत भी कम हो गई। जिन उपभोक्ता है तेला शुद्ध चीज मिली ओकर से बीमारी भी कम हुई ये हो गया हमार गरवा और घुरवा घुरवा से उन्हें जब हम कंपोस्ट खाद बनाबो घर के भी कचरा उन्हें ले जाबो तो हमार गांव के स्वच्छता अभियान भी चले। अब सवाल गरवा पर चारा एक तरफ 10 एकड़ जमीन हमारे चिन्हित करें तो कैसे हरियर चारा मिली किसान मन है जिन अपन पैरा ला धान लुए के बाद पैरल खेत में छोड़ देते और उन्हें माचिस मार के भुर्री मार देते ओकर से पर्यावरण असंतुलित हो गए। सुप्रीम कोर्ट तक भी चिंतित थे कि दिल्ली ला गैस के चैम्बर बना दे। आज छत्तीसगढ़ सरकार उस दिशा में काम कर रहे थे किसान भाई मन लगा था गरवा जब तुम्हारे तो पैरल भी तुही मन दाओ हम वहां जब ट्यूबवेल पर पंप लगाए हैं और उही में सोलर पंप भी लगाए हैं तो उही पंप से हम चेप कटर भी चालू करबो ताकि कुट्टी काट सकें पर्यावरण के सुधार भी दिशा हो गए पैरल इकट्ठा भी कर दे मवेशी चारा मिल गए और नस्ल सुधार हुई तो गांव दूध दही की नदियां बहाई। तो गांव ला संपन्न करना है एक पूरा ये साइकिल है और ये पूरा हम करबो और ये सरकार के भरोसा नहीं सरकार तो शुरू करके दे दी बचत गांव वाला मल चलाना है और गांव वाला मन बहुत एमए सहस स्वीकार भी करा थे और सब यहाँ जहाँ भी जाता हूँ सब किसान मान के हमारे गांव कब कर हमारे गांव गौठान कब शुरू हुई हमारे गांव गौठान कब शुरू हुई अतः ऐसी योजना जैसे हर किसान चाहते हर ग्रामीण जन चाहते हमरो गांव हो और केवल गांव नहीं शहर वाला मन कहा था कि भाई ये गौठान योजना हमारे शहर में काबर नहीं लागू करा था तो वो हम शुरुआत करें ताकि जिन खुले में मवेशी जिन चर थे आज नगर निगम में वर्मी खाद पर या दवाई पर हार्टिकल्चर पर सब खर्चा कर रहे थे तो यही जिन गौठान है जिन शहर में बनी तेनी गौठान में वर्मी खाद बनी तेला खरीद लाए ताकि वो जिन काम करे गौठान में काम कर रहे थे मतलब रोजी भी मिल जाए और दूसरा हमारे जिन हार्टिकल्चर है गांव के साथ साथ शहर भी बिल्कुल हरा भरा होना चाहिए। तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी। जी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत से किसान भाइयों ने इस साल खेती बाड़ी के हाल को लेकर सवाल पूछे हैं आखिर राज्य सरकार ने क्या तैयारी की है जिससे किसानों को कोई तकलीफ न हो। प्रदेश में इन दिनों किसानी का सीजन चल रहा है किसान भाई अपने 82 रुपए में जुटे हैं। हमने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराएं अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। खरीफ सीजन में किसानों के सहकारी समिति और अन्य संस्थाओं के माध्यम से
8 लाख क्विंटल से अधिक बीज तथा 7 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जा चुका है। जहां वर्षा पर्याप्त है वहां खाद बीज दवा में कमी न होने पाए, इसके लिए न सिर्फ सही समय पर भंडारण किया गया है बल्कि राज्य एवं जिला स्तर पर उड़नदस्ता बनाकर निगरानी भी की जा रही है। जी माननीय मुख्यमंत्री जी, विधियापुर धमधा के श्री प्रदीप शर्मा, आमापाली धर्मजयगढ़ के किसान श्री दुनित राम वर्मा, बलौदा बाजार से श्री लाल सिंह कोसले और भी अनेक श्रोता इस वर्ष मानसून की असफलता को लेकर चिंता जता रहे हैं। तो राज्य में वर्षा की स्थिति क्या है और ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को किस तरह से काम करना चाहिए, राज्य शासन की क्या सहायता मिल सकती है, कृपया इस संबंध में बताने का कष्ट करें। मैं किसान भाइयों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कमजोर न समझे और न ही हिम्मत हारे। तो वर्षा अभी आज की तारीख में कृषि कार्य करने के लिए पर्याप्त हो चुका है। अल्प वर्षा या खंड वर्षा की स्थिति में किसानों के पास अनेक विकल्प होते हैं। कम समय और कम पानी में पकने वाले किस्मों से किसानों को होने वाली क्षति को कुछ हद तक रोका जा सकता है। हम सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे फसलों के बीज उपलब्ध कराए हैं। फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिले इसके लिए तैयारी की गई है। हमने लक्ष्य रखा है कि 15 अगस्त से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लिया जाए ताकि कोई भी किसान न छूटे, सबके प्रीमियम सही समय पर चला जाए। बीते अनुभव से सीख लेकर सावधानी बरतें, गड़बड़ी होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। जी माननीय मुख्यमंत्री जी, कहीं कहीं बिजली प्रदाय में अवरोध की शिकायत मिली है, जबकि पिछले 6 माह में विद्युत विकास को लेकर जो काम हुए हैं उसकी तारीफ भी हो रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता देश में सर्वाधिक है। ऐसा मैं नहीं कहता, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत संस्था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने अपने रिपोर्ट में यह बात कही है। खराब मौसम में होने वाली टूट फूट के कारण आने वाले व्यवधान को दूर करने में जो समय लगता है उसे छोड़ दें तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि प्रदेश में किसी तरह का बिजली संकट नहीं है। आपके लिए भरपूर बिजली उपलब्ध है और आपूर्ति की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजली प्रदाय में सुधार के लिए हमने बड़ा अभियान चलाया है जिसके कारण से सिर्फ 6 माह में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। 316 नए उपकेंद्र बनाने का काम तेजी से पूरा करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से 280 उपकेंद्रों का काम विभिन्न योजनाओं के तहत पूरा हो चुका है। पुराने उपकेंद्रों में 210 नए ट्रांसफार्मर लगाने तथा क्षमता बढ़ाने के काम किए गए हैं। सरगुजा में छत्तीसगढ़ के बिजली पहुंचाने और गरियाबंद में कनेक्टिविटी की समस्या हल करने के ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिसका इंतजार बरसों से था। हमारी सरकार ने किसानों को निःशुल्क बिजली देने की योजना जारी रखी है जिसका लाभ 5 लाख किसानों को मिल रहा है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को तो पूरी खपत पर बिजली बिल से छूट दी गई है। जिन स्थानों पर बिजली की पहुंच नहीं है वहां सौर ऊर्जा से बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अब बिजली किसानों के सबसे भरोसेमंद साथी बनेगी, इस बारे में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना काफी समय देकर सवाल किए और मेरे जवाब तथा मेरे विचारों से अवगत होने का अवसर दिया। नमस्कार, जय जोहर, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। श्रोताओं, मैं एक बार फिर ये बताना चाहता हूँ कि लोकवाणी के लिए बहुत से सवाल मिले लेकिन समय सीमा में सभी सवालों को लेना संभव नहीं था, इसलिए कुछ प्रतिनिधि सवालों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार जानने का प्रयास किया गया। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने काफी विस्तार से अपनी बात कही है जिससे लगभग हर सवाल का जवाब मिल गया है। अब लोकवाणी का आगामी प्रसारण 8 सितंबर 2019 को होगा। विषय होगा युवा तथा शिक्षा। इस विषय पर हमारे श्रोता अपने विचार 28, 29 और 30 अगस्त के बीच रख सकेंगे। पहले की तरह ही आप फोन नंबर 0771 के साथ 2430501, 2430502 और 2430503 पर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।
सुन रहे थे लोकवाणी।